Assalamu alaikum students. In this video we will discuss CSS agriculture and forestry syllabus. So we will see part 1 agriculture and point 2, that is challenges in Pakistan agriculture. So we will discuss challenges in Pakistan agriculture, present scenario and future prospects. Pakistan agriculture sector, a backbone of the economy, faces numerous challenges that impact its growth and sustainability. ठीक है, पाकिस्तान जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी की बैकबोन है और इस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस का सामना कर रहा है जो कि उसकी ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं. सो इन चैलेंजेस को अंडरस्टैंड करना और फ्यूचर जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं उनको एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है ताकि जो फूड है कंट्री की, फूड सिक्योरिटी है उस और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन किया जा सके. अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो में देखते हैं तो पाकिस्तान इस वक्त वाटर स्कॉस्टिक के जैसे चैलेंजेस का सामना कर रहा है. पाकिस्तान इज अ वाटर स्ट्रेस कंट्री, सो हेविली रिलायंट ऑन इंडस रिवर सिस्टम फॉर इरिगेशन. तो ओवर एक्सट्रैक्शन और पुअर वाटर मैनेजमेंट और इसके साथ साथ जो क्लाइमेट चेंज जैसे चैलेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं, जैसे कि वाटर शॉर्टेज की वजह बन रहे हैं. सो इनएफिशिएंट इरिगेशन प्रैक्टिसेस, जिसमें फ्लड इरिगेशन है, तो ये सिग्निफिकेंट वाटर वेस्टेज की तरफ लेकर जाता है. और जो दूसरा पॉइंट है वो है लैंड डिग्रेडेशन का, तो इसमें सोयल एरोजन, सैलिनिटी और वाटर लॉगिंग आता है जो कि लार्ज ट्रैक को यानी कि एग्रीकल्चर लैंड को डिग्रेड कर रहा है. और डिफोरेस्टेशन और ओवर ग्रेजिंग भी कंट्रीब्यूट करते हैं, फर्टाइल टॉप सॉइल को लॉस हो जाती है इससे, और इससे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो भी रिड्यूस हो जाती है लैंड डिग्रेडेशन की वजह से. नेक्स्ट हम पॉइंट्स देखते हैं लो क्रॉप यील्ड्स का. पाकिस्तान क्रॉप यील्ड्स आर लोअर कंपेयर टू ग्लोबल एवरेजेस ड्यू टू आउटडेटेड फार्मिंग टेक्निक्स. सो लैक ऑफ एक्सेस टू क्वालिटी सीड्स, इनसफिशिएंट यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. ठीक है, पाकिस्तान के जो क्रॉप यील्ड्स है वो सबसे ज़्यादा उसका कम होना, अगर हम उसको ग्लोबली कंपेयर करें तो वो उसके आउटडेटेड फार्मिंग टेक्निक्स हैं जिसमें यानी कि ओल्ड मेथड यूज किए जाते हैं क्रॉप्स ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप हासिल करने के लिए, और इसमें जो क्वालिटी सीड्स है उसमें उसकी इसके अंदर कमी होती है. इसके साथ साथ जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इनसफिशियंट यूज़ किया जाता है जिसकी वजह से क्रॉप यील्ड्स बहुत लो रहती है. और पुअर एक्सटेंशन सर्विसेज और लैक ऑफ फार्मर एजुकेशन, ये भी प्रोडक्टिविटी के अंदर एक बड़ी रुकावट डालते हैं. और इसके साथ साथ हम देखते हैं फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग. सो एवरेज फार्म साइज इन पाकिस्तान इज स्मॉल, लीडिंग टू इनएफिशिएंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस एंड लो इकोनॉमीज ऑफ द सेल. सो फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड ड्यू टू इनहेरिटेंस लॉज रिड्यूसेस द एबिलिटी टू अडॉप्ट मॉडर्न एंड मैकेनाइज्ड फार्मिंग मेथड्स. ठीक है, जो फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स हैं वो एक बड़ी वजह है प्रोडक्टिविटी के अंदर कमी की. इसमें जो एवरेज फार्म साइज है, अगर पाकिस्तान में जो जहाँ पर क्रॉप ग्रो करवाई जाती है वो बहुत ही स्मॉल है, और इसके साथ साथ जो लैंड की फ्रेगमेंटेशन है वो इनहेरिटेंस लॉज की वजह से भी रिड्यूस हो रही है इसकी प्रोडक्टिविटी, और इसके जो ये रिड्यूस कर रही है एबिलिटी को. इसके साथ साथ जो मॉडर्न जो मेथड्स अडॉप्ट किए जाते हैं फार्मिंग के लिए, तो इस तरह की जो हैं इस तरह के लॉज जो हैं वो उसके अंदर रुकावट डाल रहे हैं. और इसके साथ क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्रॉप यील्ड्स के अंदर बहुत कमी का, जिसमें राइजिंग टेम्परेचर है, अनप्रिडिक्टेबल रेनफॉल पैटर्न्स और इनक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स लाइक फ्लड्स, ड्राउट्स थ्रेटन एग्रीकल्चर आउटपुट. सो ये भी क्लाइमेट चेंज जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है प्रोडक्टिविटी, जिसकी वजह से रिड्यूस हो रही है. सो क्रॉप फेलियर एंड रिड्यूस लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी आर डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस क्लाइमेट शिफ्ट्स. नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज का. तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, इनएडिक्वेट स्टोरेज फैसिलिटीज और इनएफिशिएंट सप्लाई चेन्स लीड टू सिग्निफिकेंट पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज. सो दीज लॉसेज रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड एंड इनकम फॉर फार्मर्स. नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं एक्सेस टू क्रेडिट का. सो स्मॉल फार्मर्स ऑफन स्ट्रगल टू एक्सेस अफोर्डेबल क्रेडिट, लिमिटिंग देयर एबिलिटी टू इन्वेस्ट इन मॉडर्न इनपुट्स एंड टेक्नोलॉजीज. जो स्मॉल फार्मर्स हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं यानी कि उनको अफोर्डेबल क्रेडिट हासिल करने के लिए, जहाँ उनकी जो एबिलिटी है इन्वेस्ट करने की मॉडर्न इनपुट्स के अंदर, टेक्नोलॉजीज के अंदर, वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है. इसके साथ जो हाई इंटरेस्ट रेट हैं और जो सेटिंग इन जो कोलैटरल रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, वो भी इस तरह के इश्यूज को इंक्रीज कर रही हैं. अब पॉलिसी और गवर्नेंस इश्यूज भी इसमें आते हैं, जिसमें इनकंसिस्टेंट एग्रीकल्चर पॉलिसीज और जिसमें ज़्यादातर जो है रिसर्च और डेवलपमेंट की बहुत कमी होती है. इसके साथ साथ इनसफिशियंट इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर में होती है जो कि ग्रोथ को
बहुत कम कर देते हैं। इसके साथ साथ करप्शन और जो ब्यूरोक्रेटिक इनफिशियंसीज हैं वो भी एग्रीकल्चर इनिशिएटिव्स के ऊपर यानी कि उसके इफेक्टिवनेस को लिमिटेड कर देते हैं। अब फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अगर हम देखें जिसमें अडॉप्टेशन होती है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की, तो प्रिसाइजन फार्मिंग, ड्रिप इरिगेशन एंड द यूज ऑफ हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेट रेजिस्टेंस क्रॉप वैरायटीज कैन सिग्निफिकेंटली बूस्ट प्रोडक्टिविटी। प्रिसाइजन फार्मिंग, ड्रिप इरिगेशन और जो हाई यील्डिंग और क्लाइमेट रेजिस्टेंस क्रॉप जैसे वैरायटीज को यूज करना, इस तरह के जो मेथड्स हैं ये प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजीज यूज की जानी चाहिए, जिस तरह से लिवर्जिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है फॉर रियल टाइम वेदर फॉरकास्ट, इस तरह से मार्केट इंफॉर्मेशन है और एक्सटेंशन सर्विसेज, इस तरह के जो टेक्नोलॉजीज हैं ये फार्मर्स को इम्पावर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इम्प्रूव्ड वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम देखते हैं, तो इन्वेस्टमेंट्स इन वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज सच एज लेजर लैंड लेवलिंग एंड ड्रिप इरिगेशन कैन एनहेंस वाटर यूज एफिशिएंसी। ठीक है, इस तरह की टेक्नोलॉजी से वाटर को मैनेज किया जा सकता है, उसके लॉस से बचा जा सकता है। इसके साथ साथ न्यू डैम्स बिल्ड करना, रिजर्व्स बिल्ड करना, इसके साथ साथ रिहेबिलिटेटिंग एग्जिस्टिंग इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कैन हेल्प मिटिगेट वाटर स्कार्सिटी। तो इस तरह के मेथड से जो है वाटर की स्कार्सिटी को कम किया जा सकता है। सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना, एग्रोफॉरेस्ट्री को प्रमोट करना, इसके साथ साथ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट डेवलप करना जो कि रिस्टोर कर सकते हैं और सोइल फर्टिलिटी को, और इस तरह से जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी। अब कंजर्वेशन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जिसमें मिनिमम टिलेज और क्रॉप रोटेशन आता है, इस तरह के मेथड्स भी इम्प्रूव कर सकते हैं सोइल की हेल्थ को और इसकी प्रोडक्टिविटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं वैल्यू एडिशन एंड एग्रो प्रोसेसिंग को, डेवलपिंग एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड प्रमोटिंग वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स कैन इंक्रीज फार्मर इनकम एंड रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज। ठीक है, जो एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं उनको डेवलप करना, इसके साथ साथ वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना, तो ये फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज करेंगी और इस तरह से जो क्रॉप्स की यील्ड्स है वो भी इंक्रीज करने में हेल्प मिलेगी। सो एस्टेब्लिशिंग कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज एंड इम्प्रूविंग सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स एंड कैन एनहांस द शेल्फ लाइफ एंड क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। सो नेक्स्ट हम देखते हैं इनहेंसिंग एक्सेस टू क्रेडिट, इंट्रोड्यूसिंग माइक्रो फाइनेंस स्कीम्स, क्रॉप इंश्योरेंस एंड फार्मर फ्रेंडली लोन प्रोडक्ट्स कैन इम्प्रूव एक्सेस टू क्रेडिट फॉर स्मॉल होल्डर्स। ठीक है, इस तरह के माइक्रो फाइनेंस स्कीम्स जैसे इस तरह के इंट्रोड्यूस करना और इसके साथ साथ जो क्रॉप इंश्योरेंस है, इसके साथ फार्मर फ्रेंडली लोन प्रोडक्ट्स हैं, इस तरह के जो यानी कि इस तरह के जो टेक्निक्स हैं, इस तरह के जो मेथड्स हैं और इस उनको इम्प्लीमेंट करवा कर जो है इन्हेंस किया जा सकता है प्रोडक्टिविटी को और जो यानी कि फार्मर्स की इनकम है उसको भी इंक्रीज किया जा सकता है। सो इनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स कैन प्रोवाइड नेसेसरी फाइनेंशियल सपोर्ट, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसमें प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जाना चाहिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए के वो एग्रीकल्चर के अंदर इन्वेस्ट करें, इस तरह से जो है फार्मर्स को इनकम जनरेट करने में भी बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट हम अपना देखते हैं क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, एक्सपेंडिंग एक्सटेंशन सर्विसेज एंड लिवर्जिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स फॉर फार्मर डेवलपिंग एंड प्रमोटिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप वैरायटीज एंड लीव स्टॉक ब्रीड्स कैन हेल्प फार्मर्स अडॉप्ट टू चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशंस। ठीक है, एक्सटेंशन सर्विसेज एक्सपेंड करना, लिवर्जिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स फॉर फार्मर डेवलपिंग एंड प्रमोटिंग क्लाइमेट रेजिस्टेंस, जो क्रॉप वैरायटीज हैं और इस तरह से जो लाइव स्टॉक ब्रीड्स हैं ये फार्मर्स की हेल्प कर सकते हैं इस तरह के क्लाइमेट कंडीशंस से निपटने के लिए, और उसके साथ साथ स्ट्रेंथन अर्ली वार्निंग सिस्टम्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स, ये भी मिटिगेट करते हैं जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का इम्पैक्ट होता है क्रॉप्स के ऊपर, और पॉलिसी रिफॉर्म्स और गवर्नेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एग्रीकल्चर सिस्टम के अंदर जिसमें फार्मुलेट करना लॉन्ग टर्म और कंसिस्टेंट एग्रीकल्चर पॉलिसीज विद अ फोकस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैन ड्राइव सेक्टरल ग्रोथ। ठीक है, जो लॉन्ग टर्म फार्मुलेशन और इसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर में पॉलिसीज बनाई जाती हैं और उसमें रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना, तो ये सेक्टरल ग्रोथ को ड्राइव कर सकता है। इस तरह से इन्हेंस करना ट्रांसपेरेंसी को और अकाउंटेबिलिटी को एग्रीकल्चर गवर्नेंस में, जो कि जो इस तरह की प्रोग्राम्स और पॉलिसीज हैं इनकी इम्प्लीमेंटेशन को ये इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एजुकेटिंग फार्मर्स ऑन मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड मार्केट एक्सेस कैन एम्पावर देम टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। जिसमें ट्रेनिंग और एजुकेशन
एजुकेटिंग फार्मर्स, और इसके साथ साथ जो मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है उनके ऊपर फार्मर्स को ट्रेन करना, एजुकेट करना, इसके अलावा जो फाइनेंशियल लिटरेसी है इसके ऊपर ट्रेन करना, मार्केट एक्सेस। तो इस तरह से जो फार्मर्स इस तरह की टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, वो फार्मर्स को एम्पावर कर सकते हैं। सो एक्सपेंडिंग एक्सटेंशन सर्विसेज एंड लिवरेजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स फॉर फार्मर एजुकेशन एंड ब्रिज नॉलेज गैप्स। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कंक्लूजन, यानी पाकिस्तान एग्रीकल्चर सेक्टर इज एट अ क्रिटिकल जंक्चर फेसिंग सिग्निफिकेंट चैलेंजेस दैट थ्रेटन इट्स सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, पाकिस्तान एग्रीकल्चर जो सेक्टर है सब बहुत सारे चैलेंजेस का सामना कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी क्रॉप्स को उससे ज़्यादा क्रॉप जो है वो हासिल नहीं की जा रही, और इसी के साथ साथ जो फूड सिक्योरिटी है उसको भी मेंटेन नहीं किया जा सकता। सो विद द राइट मिक्स ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स सेक्टर हैज पोटेंशियल्स टू ओवरकम दीज चैलेंजेस एंड सिक्योर अ प्रॉस्पेरस फ्यूचर। ठीक है, इस तरह से जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं उनका सही तरीके से इस्तेमाल करना और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का यूज करना, इसके साथ साथ पॉलिसी के अंदर रिफॉर्म्स करना, और इस तरह का जो सेक्टर है वो पोटेंशियल रखता है इस चैलेंजेस से निपटने के लिए अगर इन तमाम मेथड्स को अपनाया जाए, और इस तरह से एक सिक्योर किया जा सकता है प्रॉस्पेरस फ्यूचर। सो एड्रेसिंग दीज इश्यूज इज एसेंशियल नॉट ओनली फॉर इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। ठीक है, इस तरह के इश्यूज को रिजोल्व करना बहुत ज्यादा नेसेसरी है फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, बट ऑल्सो फॉर ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव करने के लिए एंड इम्प्रूविंग लिवलीहुड्स अक्रॉस द कंट्री, और इस तरह से पूरी इकोनॉमी को भी बेहतर बनाया जा सकता है इस तरह के मॉडर्न टेक्निक्स को यूज करके।